बिहार में 24.1% बिजली दर में बढ़ोतरी की गई है और उसको लेकर कल से लगातार राजनीति शुरू हो गई है। तो विपक्ष की सभी पार्टियां जो है वो हंगामा कर रहे हैं और ये देखिए ये पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता है जो विद्युत कार्यालय का है, ये विद्युत भवन है और विद्युत भवन के गेट पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं और देख सकते हैं कि ये जो कार्यकर्ता है जो हाथ मीटर दिए हुए हैं और देखिए ये मीटर लिए हुए हैं और बढ़ा दिए 24% बढ़ा दिए, जिसके कारण आम जनता तो पहले से परेशान था प्रीपेड मीटर को लेके, और अब उसके बाद जो है 24% का जो आपने हमला किया है ये बहुत ही आम जनता को लूटने का एक तरह से दिमाग लगाया गया। ये बिजली विभाग नहीं है, लूट विभाग है। आम जनता पहले से परेशान था, पहले वो एक बिजली बिल देता था, अब 1240 रुपया कहाँ से दे, 240 रुपया का बोझ उसके जेब पर पड़ा है वो कहाँ से लाए। माननीय लोगों का बिजली माफ होता है और आम जनता का जो बिजली बिल पॉकेट में से हाथ डाल के निकाला जाता है, ये कहाँ का नीति है। तो हम लोग का संदेश साफ है, आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज जनता के हित के लिए और ये बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और जब तक ये बिजली विभाग दरें कम नहीं करती है हमारा आंदोलन उग्र रहेगा, बड़े पैमाने पर रहेगा, साफ संदेश है। सारे साथ कह रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा और ये देखिए कि देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो गले में मीटर टांग कर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इनका साफ तौर पर कहना है कि 200 से ज़्यादा जो अतिरिक्त बोझ हुए हैं उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि इसमें आम जनता के को परेशानी होगी, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को दिक्कत होगी। हालांकि बता दें कि बिहार में बिजली दर में 2-3 साल बाद ये बिजली दर में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन एक पहले प्रीपेड मीटर लगाया गया था उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था, अब अचानक बिजली दर में वृद्धि की गई है उसको लेकर अभी राजनीति पार्टियां उग्र है और सरकार को घेरने के मूड में है। योगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, पटना।